भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट जिसका इंतजार हिंदू पक्ष के लोगों को लंबे अरसे से था। आपको बता दें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट सर्वे के बाद सौंप दी गई है। रिपोर्ट में एएसआई ने कहा है कि मस्जिद निर्माण से पहले यहां पर एक हिंदू मंदिर मौजूद था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। देखिए रिपोर्ट। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने कहा है कि मस्जिद से पहले यहां बड़ा हिंदू मंदिर था। रिपोर्ट में लिखा गया है कि पश्चिम दीवार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है। यहां पर खम्भों और कमल के निशान को तोड़ा गया। 32 ऐसी जगह जहां हिंदू मंदिर के हिस्से थे, पुराने मंदिर के सामान को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ तीन भाषाओं में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा हुआ पाया गया है। तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। 17वीं शताब्दी में मंदिर को औरंगजेब के समय तोड़ा गया था। मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का हिस्सा। ज्ञानवापी मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौजूदा संरचना यानी मस्जिद के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। 2 सितंबर 1669 को ढहाया गया मंदिर। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2 सितंबर 1669 को मंदिर ढहाया गया था। मंदिर के पिलर को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। एएसआई सर्वे के दौरान 52 तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। एएसआई रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद की पुरानी दीवार मंदिर का हिस्सा है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। 17वीं शताब्दी में मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ। 6-7 मई 2022 का दिन था और अंजुमन इंतजामिया के सेक्रेटरी ने कॉल दी थी कि ये सर्वे हम नहीं होने देंगे, और उसका अंजाम ये हुआ था कि मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 तक भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे मौजूद थे, सर्वे का विरोध कर रहे थे। और कितने लोग होंगे? मोस्टली मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार लोग उस समय पूरे रोड पे थे। हाँ। और गाड़ी जाने की भी जगह नहीं थी, और मेरे पिताजी गाड़ी से मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 तक जा रहे थे। एक गाड़ी, छोटी सी गाड़ी, टैक्सी गाड़ी थी। 50,000 लोग तो उनके बीच में जब हम लोग जा रहे थे तो ये हुआ कि शायद हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। बिकॉज मेरे बाबूजी ने मुझसे यही कहा कि अगर हम लोग मरेंगे तब भी महादेव के पास जाएंगे, और अगर वहां पहुंच गए तो भी आज महादेव मिलेंगे, इसलिए तुम चलते रहो, रुकना नहीं है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ महादेव दिख रहे हैं, और वही एक इंस्पिरेशन था। ज्ञानवापी में हुए एएसआई सर्वे रिपोर्ट लेने के लिए वाराणसी जिला अदालत के नकल विभाग में आवेदन किया गया है। हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और सुधीर त्रिपाठी ने सर्वे रिपोर्ट की कॉपी लेने के लिए आवेदन किया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने उम्मीद जताई है कि गुरुवार की शाम तक ज्ञानवापी में वजूखानों को छोड़ के पूरे परिसर में हुए एएसआई सर्वे रिपोर्ट की कॉपी उन्हें मिल सकती है। अधिवक्ता के अनुसार सर्वे रिपोर्ट की कॉपी को उनके द्वारा स्टडी किया जाएगा और दुनिया के सामने ज्ञानवापी का सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया।